गुड डे क्लास फोर्थ, दिस इज योर मैथ्स पीरियड नाउ, सो टेक आउट योर मैथ्स बुक्स एंड गेट रेडी फॉर द क्लास चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 3.5 एंड हियर योर टू एक्सरसाइजेस आर इनकम्प्लीट, दैट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.7. ओके, इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट क्रॉस जस्ट राइट mark a cross in exercise 3.6 and also in exercise 3.8. aapko 3.8 and 3.6 nahi karni hai, okay? And today we are going to discuss first exercise 3.5. so firstly mark the question part A, B, C and D. okay, mark the question part A, B, C and D. now start, come to the question number 1, part A. aapka jo question number 1 hai, part A hai, yahan par multiply karna hai. अभी तक हम जो मल्टीप्लाई सीख कर आए हैं वो 2 डिजिट तक का सीखा था, अब हम 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं कैसे होता है. ओके, सो फर्स्टली 3 डिजिट का मल्टीप्लाई जब भी आप करने जा रहे हो हमेशा मल्टीप्लाई के टाइम पे वंस डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं. कहाँ से करते हैं? वंस से. वंस टेंस हंड्रेड, इस तरीके से होती है ना डिजिट्स, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड. तो वन से हम स्टार्ट करते हैं, वन से आगे की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो पहले हम 5 का मल्टीप्लाई तीनों नंबर से कराएंगे. 5 नाइन जा 45, 4 इज टू बी कैरी हेयर, 5 एट जा 40, 40 प्लस 4 44, 4 4 टू बी कैरी, 5 टू जा 10, 10 प्लस 4 14. ओके, ये हमने 5 का करा दिया. नाउ पुट अ क्रॉस और जीरो हेयर. यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हो और यहाँ पर जीरो भी पुट कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब होता है नथिंग. ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है नथिंग. ठीक है, तो आप यहाँ पर जीरो भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट. यहाँ पर आप 5 के नीचे से स्टार्टिंग नहीं करोगे इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस या जीरो मार्क करना पड़ता है. अब आप जो भी मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे 4 है ना, अब 10 डिजिट आपकी 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई जब करा के लिखोगे तो आप यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करोगे, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे. ठीक है, तो 4 नाइन जा 36, 6 एंड 3 इज टू बी कैरी हियर. ओके, ये 3 है आपका. 4 एट जा 32, 32 प्लस 3 35, 3 इज टू बी कैरी हियर. नाउ 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 11, तो ये आ गया आपका 11. अगेन हमें यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई भी कराना है तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ देंगे. ठीक है, मतलब कि 1 का जो मल्टीप्लाई होगा इसके पहले कितनी डिजिट आती है? 2, तो हम 2 प्लेस छोड़ देंगे क्योंकि 1 हमारा 100 की प्लेस पर है. तो 1 स्टेंस, अब यहाँ से 100 वाले मल्टीप्लाई को लिखेंगे. 1 नाइन जा 9, 1 एट जा 8 एंड 1 टू जा 2. नाउ अब हम ऐड करते हैं इन सारे टर्म्स को, किसको किसको ऐड करना है. यहाँ पर 5, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 1 5, 5 5 10, 10 प्लस 9 19, 1 इज टू बी कैरी 8, 9 10 11, 1 इज टू बी कैरी 2 3 4. ये आपका आंसर आ गया 41905, ये आपका आंसर है. क्लियर है सबको इतना? अगेन 1 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपको सी एंड डी पार्ट, सी एंड डी पार्ट खुद से सॉल्व करना है. मैं यहाँ पर लिखती हूँ डू इट बाय योरसेल्फ, आप लोग डू इट बाय योरसेल्फ ही कॉपी कर देते हो. बेटा उसे सॉल्व किया करिए खुद से. मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ, एक आपको प्रोसेस बता देती हूँ करके, तो आप दूसरे वाले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व किया कीजिए. डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है डू बाय योरसेल्फ. ओके, कुछ स्टूडेंट्स कॉपीज में ऐसे ही करते हैं जब क्वेरी सेशन में कॉपीज आती हैं तो. ओके, नाउ स्टार्ट हियर अगेन फ्रॉम द 8. ओके, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40 प्लस 3 43, 8 वन जा 8 प्लस 4 12. नाउ पुट द साइन ऑफ क्रॉस, 3 फोर जा 12, 1 इज टू बी कैरी, 3 फाइव जा 15, 1 16, 1 इज टू बी कैरी, 3 वन जा 3 1 4. ओके, नाउ अगेन पुट द साइन ऑफ क्रॉस हियर, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10, 1 इज टू बी कैरी, 2 1 जा 2 1 3. नाउ एड देम, 2 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 6 14, 15 16, 4 5 6 एंड हियर 3. क्लियर, सबको इतना क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर. सी एंड डी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से. क्लियर है सबको? नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी? 3.7. 3.7 भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे. सो मैंने क्वेश्चन मार्क तो करा दिए थे, फिर भी आप एक बार अगेन कर लो मार्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3. ओके,
Again, you have to do marking here, question number 1 and 3. Those students who have not done, so start doing it. Exercise 3.7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर इज 4,360 रुपीज. हाउ मच डिड अजय पे इफ ही बॉट 5 सच प्रिंटर. चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आपको किसी भी वन की वैल्यू पता हो, सपोज यहाँ पर हमने बताया है कि कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर का मतलब होता है कि एक प्रिंटर का जो कॉस्ट है, एक प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो है 4,360 रुपीज. हाउ मच डिड अजय पे इफ ही बॉट 5 सच प्रिंटर्स. तो अजय ने कितना पे किया जब उसने 5 ऐसे प्रिंटर्स को लिया. दैट मीन्स एक प्रिंटर की कॉस्ट इतनी थी, तो 5 जब उसने खरीदे तो कितने रुपए उसने खर्च किए, कितने रुपए उसने शॉपकीपर को दिए होंगे, आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है. क्लियर है सबको? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद उसके वो क्या कह रहा है, उसके बाद आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया कीजिए. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है हमको. हमें लिखना होगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर, कॉस्ट ऑफ अ एक बेटा सेकेंड कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर. क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटर, एक प्रिंटर की कॉस्ट कितनी दी है, 4,360 रुपीज, राइट? यही दिया हुआ है आपसे, पूछा है. सो कॉस्ट ऑफ 5 प्रिंटर, कॉस्ट ऑफ 5 प्रिंटर भी कितना हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जब हमें एक की वैल्यू पता होती है, ज्यादा ही निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल. ठीक है, अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15, 15 + 3 17, 5 4 20, 121. ओके, क्लियर है इतना सबको? तो अब क्या आया हमारा आंसर, 21,700. तो उसने अजय ने क्या किया है, 5 प्रिंटर खरीदे हैं, तो कितने रुपीज स्पेंड किए हैं उसने, 21,700 रुपीज. क्लियर है सबको इतना? ये हो गया इसका आंसर. Now come to the next question, question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है, राहुल्स फादर हैज 2000 नोट ऑफ 20 रुपी. राहुल के पापा, मतलब कि ये जो एपोस्ट्रॉफी है ना, इसका मतलब होता है राहुल के फादर. हम यहाँ पे के का संबंध दिखाते हैं एपोस्ट्रॉफी एस से. ठीक है, तो राहुल के जो फादर हैं, हैज 2000 नोट्स ऑफ 20, उनके पास क्या है, 2000 नोट्स है, 2000 नोट्स है. नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2000. कौन से नोट है, 20 रुपी के नोट है. बहुत ध्यान से पेपर को, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए कि 2000 रुपीज नहीं है, 2000 नोट्स है. नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2000. कौन से नोट, 20 रुपी के नोट. ठीक है, 20 रुपी के नोट 2000 है. हाउ मच मनी डज ही हैव, तो आपको बताना है उनके पास कितना पैसा है. ठीक है, सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ नोट्स, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2000. ठीक है, एंड रुपी इज इक्वल्स टू 20. ठीक, 20 रुपी का नोट था यहाँ पर. ठीक है, रुपी कितना है, 20 है, और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 2000. टोटल मनी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 रुपी का नोट है, 2000 नोट है. हम यहाँ पर क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई. जब मैंने आपको जीरो का मल्टीप्लाई सिखाया था, तो आपको बोला था जितने जीरो होते हैं हम उतने जीरो इंक्लूड कर देते हैं. सबसे पहले 2 2 4, यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3, और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1, कितने हो गए, 4, 1 2 3 4. जब जीरोज आते हैं हमारे क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो जाता है. तो दैट मींस उनके पास कितने रुपए हैं, उनके पास 40,000 रुपीज है. कितना है, 40,000 रुपीज. सबको क्लियर हो रहा है? ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में करेंगे. ठीक है, यह वर्क आपको मैंने बता दिया था कहाँ करना है, क्लास वर्क नोटबुक में करना है. एंड द वन मोर थिंग चिल्ड्रन, आपको देखिए आपकी बुक में बैक साइड पे आपको एक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट शीट दी हुई है. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस शीट है. चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, एंड चैप्टर 3 है. आपको मैंने बताया है कि आपका सिलेबस क्या है, चैप्टर 1, 2 एंड 3 फॉर योर अपकमिंग टेस्ट. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम हेयर ऑल्सो. यहाँ से भी प्रैक्टिस करिएगा अपने पेपर की. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी देखने को मिल सकते हैं. तो प्रैक्टिस शीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा. आप चेक कर लीजिएगा आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इस चैप्टर के या नहीं. क्लियर है सबको? नाउ स्टार्ट डूइंग द वर्क, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.